हाई एवरी वन, वेलकम टू गैलेक्सी हेल्थ कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कोरोना वायरस का वैक्सीन। दोस्तों, आज जिस वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी हद तक सफल हो चुका है और इस वैक्सीन से साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को 100% क्योर करा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्यों इतना उम्मीद है इस वैक्सीन से साइंटिस्टों को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोरोना वायरस जब चीन के वुहान शहर में आउटब्रेक होना शुरू ही हुआ था, उस टाइम में ही चीन के साइंटिस्टों को शक हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये कुछ अलग है। उस टाइम से ही चीन के साइंटिस्टों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था इस वायरस के बारे में पता लगाने के लिए। इसके साथ साथ उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को इस वायरस के बारे में आगाह करने के लिए उनका जो रिसर्च था, उस रिसर्च को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के पूरे वर्ल्ड को आगाह करना शुरू कर दिया था कि ये कुछ खतरनाक है, इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। सो दोस्तों, इसलिए हमें चीन का साइंटिस्टों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी दूसरे देशों का ख्याल रखा। इसके बाद ही दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जुट चुके थे इस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज के साइंटिस्ट जुट चुके हैं इस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए। दोस्तों, हर देश अपने ओर से बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस वायरस का वैक्सीन जल्दी से जल्दी बन जाए। दोस्तों, अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा फंडिंग हो रही है वैक्सीन बनाने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों का ध्यान मैं खींचना चाहती हूँ इंडिया के ओर। इंडिया में हैदराबाद और दिल्ली में वैक्सीन बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है दोस्तों, और इसमें कुछ वैक्सीन बनके रेडी भी हुआ है। जो वैक्सीन एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, अगर ये टेस्ट सफल हो तो इंडिया के पास भी कोरोना वायरस का वैक्सीन होगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का बात होगा। दोस्तों, आज जिस वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वैक्सीन का टेस्ट शुरू हो चुका है ऑक्सफोर्ड में, और वो भी इंसानों के शरीर में। इसका मतलब है दोस्तों, ये वैक्सीन पूरे तरीके से जानवरों के शरीर में टेस्ट किया जा चुका है और इस टेस्ट का रिजल्ट पूरे तरीके से पॉजिटिव आया है, तभी इंसानों के शरीर में इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सब लोगों के लिए। दोस्तों, इस अच्छी न्यूज़ के साथ और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस वैक्सीन का टेस्ट अगर ह्यूमन बॉडी में सफल हो जाए तो सितंबर मंथ के अंदर ही कोरोना वायरस का वैक्सीन रेडी होगा, जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ होगी पूरे वर्ल्ड के लिए। ये वैक्सीन बनाने के लिए जो साइंटिस्ट दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं सारा गिलबर्ट, एंड्रू पोलर्ट, सेंडी डोगल्स, एड्रियन हिल। इनके जैसे टैलेंटेड साइंटिस्ट दिन रात एक करके कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आप लोगों को और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है इस वैक्सीन का सबसे पहला टेस्ट किसके शरीर में हुआ है? दोस्तों, ये वैक्सीन का सबसे पहला टेस्ट शुरू हुआ है, उनका नाम है साइंटिस्ट एलिसा ग्रानाटो। दोस्तों, इन्होंने अपने काम के प्रति इतना समर्पण दिखाया है और इस समर्पण के वजह से ही दोस्तों शायद हम लोग एक अच्छे स्टेज में हो सकते हैं कोरोना वायरस को। दोस्तों, इस वैक्सीन के बारे में आप लोगों ने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान लिया, पर क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहते कि इस वैक्सीन का नाम क्या है? दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम है चैडोक्स वन। दोस्तों, इस टाइम पे हम सब लोग मिलके बस एक ही दुआ कर सकते हैं कि चैडोक्स वन का जो रिसर्च चल रहा है वो पूरा हो जाए और इस रिसर्च का
रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव हो और हम सबको कोरोना वायरस का एक कंप्लीट वैक्सीन मिल जाए। दोस्तों, इससे पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक कंप्लीट वैक्सीन मिल जाएगा, जिससे हम सब लोग सिक्योर हो सके। दोस्तों, बस आप लोग और हम सब लोग मिलके यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का कहर ख़त्म हो पूरे दुनिया से, और यही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। हम सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा हेल्थ। दोस्तों, आप अगर अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। आप अगर अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने देश का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, हम सब इस टाइम पे एक सोल्जर जैसे ही है। दोस्तों, इसके लिए आप टाइम टाइम पे हाथ धोइए, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस हाथ धोना है। दोस्तों आप हैंड वॉश यूज़ करिए या सैनिटाइज़र यूज़ करिए, पर हाथ धोइए और अपने आप को, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए। और दोस्तों, लॉकडाउन का पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से पालन कीजिए। ये लॉकडाउन हमारे लिए है, हमारे सेफ्टी के लिए है। दोस्तों, प्लीज़ लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए। सो दोस्तों, आज यही तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको अगर मुझे कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।